वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ दिव्या। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बाय द वे गाइज, आज हम जाने वाले हैं विशाल, एंड आप भी हमारे साथ चलेंगे यहाँ के विशाल मार्केट को शूट करने। सो चलते हैं। फिर उससे पहले मैं बता दूँ, ये जो मैंने ये जो मैंने स्वेटर डाला है, ये मैंने मिंत्रा से लिया था, जो मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। एंड आप देख सकते हैं, ये मैंने जींस डाला है, एंड नीचे जो ये स्नीकर्स हैं मिंत्रा के। सो चलें फिर, अभी हम चलते हैं विशाल। सो लेट्स गो। ये मेरा मास्क, मैचिंग। ओके, सो मास्क डालकर ही जाना है, बिकॉज कोरोना तो अभी भी चल रहा है ना। सो जो विशाल मेगा मार्ट है वो हमारे होम से है 10 to 15 minutes की डिस्टेंस पर, एंड विशाल मेगा मार्ट आ चुका है, एंड हम इसमें जो है वो एंटर कर गए। एंड इसमें गाइज, आपको जो फर्स्ट में जो सेक्शन मिलता है वो है यहाँ पर टी शर्ट एंड टॉप्स। यहाँ पर आपको गर्ल्स के लिए टी शर्ट एंड टॉप्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारी वेराइटी में मिल रहे थे, एंड काफ़ी सारे कलर्स में भी अवेलेबल थे। तो आपको जो भी पसंद है, जैसा भी अच्छा लगे, वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड 99 में भी आपको यहाँ पर टी शर्ट मिल रही थी, एंड इसके अलावा 150 की भी थी, एंड 253। मेरे को भी टी शर्ट देखनी है, पकड़ो। प्रिटी सा जो स्वेट शर्ट है, डार्क रेड यानी मैरून टाइप का, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। बट प्रॉब्लम ये थी कि इसमें एस साइज़ था, एंड एम साइज़ मुझे मिल नहीं रहा था। एंड वैसे एस साइज़ मैं पहनती हूँ, बट पता नहीं, अगर नहीं आए अच्छे से तो समझ रहे हो ना, फालतू में पैसे वेस्ट हो जाने थे। ट्रायल रूम बंद था विशाल का उस दिन, पता नहीं क्यों लॉक मार के रखे थे। एक भी ट्रायल रूम ना ओपन नहीं था, तो मैं ट्राई करके भी नहीं देख सकी, तो इसलिए मैं उसे नहीं ले पाई। सो उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ ड्रेसेस हैं वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो ड्रेसेस भी काफ़ी अच्छी हैं, एंड समर सीजन के लिए भी काफ़ी सारे जो है स्टफ़ आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो ट्रैक पैंट थी गाइज, वो आपको मिलेंगी 499 में, आपको 2 मिलेंगी, बाय 1 get 1 का ऑफ़र चल रहा था, तो अगर आप एक लेते हो तो आपको दूसरी फ्री मिल जाएगी। एंड ट्रैक पैंट की क्वालिटी ठीक ठाक थी, ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी, एंड इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी नहीं थी। सो ट्रैक पैंट भी यहाँ पर मिल रही थी, एंड 399 में जो अभी मैं टॉप्स देख रही थी, ये 399 ईच। ओके, एंड इसके बाद गाइज, यहाँ पर जो कुर्तीज लगी है वो भी काफ़ी सुंदर सी थी, एंड काफ़ी प्रीटी वाले कलर में आपको मिल रही थी। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं टी शर्ट देख रही हूँ, जो 200 की टी शर्ट मिल रही थी ये वाली, एंड इसमें भी काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशन, काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल थी। एंड ये जो ऑरेंज कलर है ना, हे यू, ये वाला ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑसम सा लग रहा था, बट मेरे पास ऑलरेडी ऑरेंज टी शर्ट है, तो मैं इसको फिर मैं नहीं ले सकी। उसके बाद ये जो पेरिस लिखा हुआ है, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। अब मैंने ये ली या नहीं ली, ये तो मैं जब आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, उसमें आपको पता लगेगा। ओके, एंड क्यों नहीं ली वो भी उसी में पता लगेगा, सो वेट एंड वॉच। ओके, तो उसके बाद गाइज, मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर जो शॉर्ट वाले कुर्ता होते हैं, शॉर्ट वाली कुर्ती जो होती है, जो जींस के ऊपर डालते हैं, उस टाइप के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एंड ये बैग्स मिले हुए, बैग्स हैं यहाँ पर काफ़ी सारे प्रिटी से, छोटे छोटे बच्चों के जो बैग्स नहीं लेते हैं, छोटी छोटी जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए भी यहाँ पर आपको बैग्स मिल जाएंगे, पर्स मिल जाएंगे, एंड काफ़ी सारी प्रिटी यहाँ पर जूती भी थी। एंड आप देख सकते हैं कि जो लॉन्ग वाली जो ड्रेसेस होती हैं, कुर्ता सेट होते हैं, वो भी यहाँ पर थे, 2000, 1100, 1500, काफ़ी कॉस्टली थे, बट मुझे वो लेने भी नहीं थे वैसे। सो इसके बाद मैं आती हूँ बैग्स के सेक्शन में, एंड यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी से आपको बैग्स मिल जाएंगे। बट आई थी बैग्स देखने के लिए, बट देख कुछ और ही रही हूँ। यही प्रॉब्लम होती है ना हम गर्ल्स की, लेने कुछ और जाते हैं बट कुछ और ही उठा लाते हैं।
और फिर घर आकर देखते हैं, ओह गॉड ये तो मुझे लेना ही नहीं था। ऐसा ही होता है मेरे साथ, तो ऐसा ही होता है। कमेंट डाउन करना, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, मुझे ज़रूर बताना। ओके सो गाइज, यहाँ पर जो हमें काफ़ी सारे बैग्स देख रही हूँ, एंड मेरे हैंड्स में जो आप देख रहे हो टी शर्ट वी शर्ट, इनको देखकर कंफ्यूज मत होना। पता नहीं मैं ये लूँगी भी या नहीं लूँगी, ये आपको आगे जाकर पता लगेगा। सो वीडियो पूरा देखना, एंड इसके बाद गाइज ओके, तो यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा सा मिल नहीं रहा था। मैं परेशान थी गाइज, बिकॉज ट्रायल रूम बंद थे यार। अब जब जाते हैं बिग बाज़ार वगैरह, वो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर हम ट्राई करके भी देख सकते हैं। अब ट्रायल रूम ही बंद कर दें तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं कुछ भी ट्राई करके तो देख ही नहीं रही थी। बट मुझे लगा कि ये हो जाएगा फिट, वही मैं ड्रेस जो है वो टी शर्ट लेती गई। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर जो है ये मेंस सेक्शन है, बॉयज़ सेक्शन, यहाँ पर हम आ गए। तो यहाँ पर भी देखो कितनी ज़्यादा कलरफुल वाली जो टी शर्ट हैं बॉयज़ के लिए, काफ़ी सारी जो है वैरायटी में यहाँ भी अवेलेबल थी। सो यू कैन सी, सो गाइज इसके बाद हम आ गए प्रिंस के फेवरेट सेक्शन में, वो है किड्स सेक्शन, जिसमें काफ़ी सारे किड्स के लिए टॉयज़ मिल जाएंगे, एंड स्टडी से रिलेटिव भी यहाँ पर मिल जाती हैं चीज़ें, जैसे बुक्स वगैरह हो गई, या फिर पेंसिल वगैरह, इरेजर, शार्पनर वगैरह, ड्राइंग बॉक्स, टिफिन बॉक्स, ये सब सारे किड्स से रिलेटिव थे। एंड स्पेशली बच्चे जब साथ में होते हैं एंड वो किड्स वाले टॉयज़ वाले सेक्शन में ना जाएँ, ऐसा होता है क्या कभी, है ना। सो यहाँ पर हम आ गए थे, एंड बहुत ही ज़्यादा प्रीटी प्रीटी यहाँ पर गाइस टेडी थे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक डॉग उठाया है, एंड मुझे मस्ती सूझ रही थी इसके साथ में, इतना क्यूट सा लग रहा था ना ये। बट क्या करें, प्रिंस को तो पसंद ही नहीं आया, अब उसे पसंद नहीं आया तो मैं लेकर क्या करती, है ना। सो इसके बाद गाइस ये जो बड़ा सा जिसका मैं नोज पकड़ के इसको बाहर खींच के लाई हूँ, ये भी मुझे बहुत प्रीटी लगा, स्पेशली इसका कलर, तो कलर तो पिंक कलर, वाओ गर्ल्स की जान बसी होती है पिंक कलर में, है ना। आपको कैसा लगता है पिंक कलर, किसका फेवरेट है, किस किस का फेवरेट है मुझे बताना। ये भी देखो पिंक कलर में, जिसका मैंने बालों से उसका सर पकड़ रखा है एंड उसको दिखा रही हूँ। सो ओके, इसके बाद गाइज यहाँ पर कुछ और देखा हमने किड्स सेक्शन में, जैसे बैग्स वगैरह हो गए, या फिर टॉयज़ वगैरह, टॉयज़ देख रहे हैं यहाँ पर हम। एंड यहाँ पर कर्टन्स लगे हैं, कर्टन्स के भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाती है। एंड कर्टन्स में वो जो आप ऊपर लगाते हैं ना ऐसे डिजाइन के लिए, क्या बोलते हैं यार उसको, आई डोंट नो, बट ये कर्टन्स में ही लगते हैं ये वाले, आप मुझे बताना क्या बोलते हैं इसको, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ओके यहाँ पर मैं टॉवल देख रही थी, कितना ज़्यादा प्रीटी टॉवल है गाइज, बट इसके ऊपर ना बच्चों जैसे कार्टून्स बने हैं, बट मुझे अच्छा लग रहा था। सो और ग्रीन कलर का जो टॉवल देख रहे हो ना, ये भी मुझे बहुत प्रीटी लग रहा था। प्राइस कितनी थी आई डोंट नो, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रही है यार इसकी प्राइस, इतनी सारी चीज़ें देखी थी ना तो पता नहीं, भूल गई क्या क्या प्राइस थी, सॉरी गाइज। इस बार नोट डाउन करके लाऊंगी फिर आपके साथ शेयर करूंगी। इसके बाद ये देख रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको, कुशन, तो ये बहुत ही ज़्यादा सा सॉफ्ट सा प्रीटी सा प्यारा सा येल्लो इस कलर में था, एंड ऑलरेडी प्रिंस के पास है ऐसा, उसकी मासी ने उसको गिफ्ट किया था बर्थडे पर, तो उसके पास ऑलरेडी था, तो हमने फिर नहीं लिया, बिकॉज़ यहाँ पर अब हम सामान बढ़ाना भी नहीं चाहते, बिकॉज़ यहाँ से तो हमें शिफ्ट होना है कहीं और। अब कहाँ शिफ्ट होना है वो तो आप सबके लिए सरप्राइज रहेगा, सो मैं आपको आगे बताऊँगी। सो गाइज ज़्यादा सामान लेना नहीं था, बट जो चाहिए था वो तो लेना ही था ना, तो ये है बहुत ही ज़्यादा प्रीटी सा खूबसूरत सा टेबल कवर जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखा रही थी वो। एंड इसके बाद हम क्रोकरी वाले सेक्शन में आ गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल वाले जो हैं, यहाँ पर आपको प्लेट्स वगैरह ये सब आपको मिल जाएंगी, बट इनको लेने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे लगते तो बड़े प्रीटी हैं, बट मैं तो इनको कभी संभाल ही नहीं पाऊँगी, इतने ज़्यादा तोड़ती फोड़ती, मतलब जानबूझ के नहीं यार, ऐसे ही टूट फूट जाती है, मुझसे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें टूट फूटती हैं, तो इसलिए मैं नहीं ले सकती ना उस तरह की चीज़ें। ओके तो यहाँ पर मेरा फेवरेट सेक्शन आ गया, ये है फ्लावर वाला, एंड बहुत ही ज़्यादा प्रीटी वाले से यहाँ पर फ्लावर पॉट थे, जिसमें आपको तरह तरह के फ्लावर मिल जाएंगे। स्पेशली मुझे येल्लो एंड ये वाइट वाला ना बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा था। सो गाइज यहाँ पर मैं वाटर बॉटल देख रही हूँ, वैसे
दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने सोचा स्ट्रॉन्ग है। जब मैंने इसको लिया एंड इसको थोड़ा दबाया तो वो पिचक रही थी, तो क्या फ़ायदा है ना, क्वालिटी इतनी ख़राब है तो उसको क्या करना है। लेकर आप दबा के देखा करो तो पता लग जाएगा, आपको पिचकेगी तो बिल्कुल मत लेना, ये ट्रिक है आपके लिए। ओके ओके, इसके बाद गाइस ये जो मेरे हाथ में जो फ्लोर है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, आपको कैसा लग रहा है। तो ये मेरा जो सेक्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है फ्लोर वाला, बिकॉज मुझे फ्लोर से बहुत लगाव। एंड प्रिंस देखो आपको मुझसे पहले दिखा रहा है, उसको वो वाला काफ़ी पसंद आ रहा था। ओके गाइस, तो इसके बाद मुझे लेना था यहाँ पर कुछ स्टोरेज के लिए। ज़्यादा तो मैंने नहीं लिया, बट एक दो लेकर आई हूँ, तो आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगी बाद में। इस टाइप के जो है ना मैंने अमेजोन पर देखे थे एंड काफ़ी कॉस्टली थे, आई थिंक 250 या 300 इस टाइप से थे, एंड मुझे मिला है 150 में गाइस। एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट अभी मैंने इस एक ही लेकर आई हूँ, बिकॉज अगर मुझे पसंद आएगा कुछ दिन बाद, अगर अच्छा लगेगा तो फिर और भी लेकर आऊँगी। तो अभी यहाँ पर इतना मेरे पास स्पेस भी नहीं है रखने के लिए, तो ज़्यादा भीड़ करना नहीं चाहती, बिकॉज हम यहाँ से अब शिफ्ट होने वाले हैं 2 मंथ में ही। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया क्या नहीं, ये आपके साथ मैं बाद में शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर आपको स्टोरेज के लिए काफ़ी कुछ मिल जाएगा। एंड इसके बाद गाइज, इस सेक्शन में आपको सनस्क्रीन मिल जाएंगी, एंड गर्ल्स के लिए जो बॉडी लोशन होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। एंड परफ्यूम बहुत सारी वैरायटी में थी यहाँ पर, डीओ हो गए, परफ्यूम हो गई, वो भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मेरी शॉपिंग कंप्लीट होती है। शॉपिंग नहीं, वैसे तो मुझे शूट ही करने जाना था, बट चली गई तो कुछ ना कुछ लेकर भी आ ही गई। ओके, तो यहाँ पर मैं बिल पे कर रही हूँ। गाइज, हम आ गए हैं वापस होम। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से बताना। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय गाइज, टेक केयर, लव यू। मुझे कमेंट डाउन करना एंड